ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसची जनसागर यात्रा सुरू झाली आहे। महिला प्रदेशाध्यक्ष विद्या चव्हाण यांनी उल्हासनगर शहरात जनसागर यात्रेच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी चौक सभा घेतली। यावेळी मोदी सरकार विरोधात हल्लाबोल केला। गेल्या 8 वर्षात गॅस सिलेंडर, जीवनावश्यक वस्तू, पेट्रोल, डिझेल, CNG यांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे। सर्वसामान्य लोकांच्या खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर आलेली कुऱ्हाड, सुशिक्षित तरुणांवर कोसळलेले बेरोजगारीचे संकट, महाराष्ट्रातून मोठमोठ्या कंपन्या इतर राज्यांमध्ये पळवण्याचे सुरू असलेले उद्योग, तसेच राज्यातील लोकशाहीला घातक असणाऱ्या घडामोडी घडत राज्य सरकार पाडण्यासाठी केले गेलेली कट कारस्थाने, महिला भगिनींवर होणारे अत्याचार, अशा विविध मुद्द्यांवर विद्या चव्हाण यांनी लक्ष केंद्रित करत सडकून टीका केली। तसेच मुश्रीफ अश्रफ यांच्यावर 100 कोटी रुपयांचे घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले, यावरही विद्या चव्हाण यांनी भाष्य केलं। दरम्यान ही जनसागर यात्रा उल्हासनगरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर, चोपडा चौक, धोबीघाट, सम्राट अशोकनगर आणि भाटिया चौकात सभा घेऊन संपन्न झाली। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा पंचम कलानी, अश्विनी निकम, कमलेश निकम, प्रभू लहाने व मोठ्या संख्येने महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या। चौथी सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्षा हमारी ताई, हमारे जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक रगड़े जी, शेलके जी, फिरोज खान, जमीन कंडौन, हमारे माजी नगर सेवक महादेव सोनोनी जी, ताई ने बताया कि 2014 में जब मोदी आए थे, 5 मिनट लूंगा, 2014 में जब मोदी आए थे तो आप लोगों को टीवी चैनल न्यूज पर लगा कि देश का कोई भाग्य विधाता आया है, हमारे लिए कुछ करने आया है, हम महिलाओं के लिए कुछ रोजगार लेकर आया है। और जब भी टीवी न्यूज चैनल आज तक चालू करते थे, सुबह 9 बजे एक आवाज आती थी, मेरी माता और बहनों, मैं देश को सुधारने आया हूं। पर 2014 में जिस गैस के भाव 400 रुपए थे, वो 2023 में गैस के भाव 1000 पार कर दिए। फिर मोदी जी आए, 2014 में कहा कि मनमोहन सिंह को आर्थिक व्यवस्था पर बात नहीं कर पाता, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, गांधी परिवार पर आरोप लगाए, पवार साहब पर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद आप लोगों को भी लगा कि कोई आया है भगवा पहनकर। आप लोगों को फिर एक बार, देश के नागरिकों को जब भी टीवी सुबह 9 बजे खोलते थे तो कहते थे, स्मृति ईरानी, 400 रुपए के गैस के लिए स्मृति ईरानी आप लोगों ने सड़कों पर देखी। आप लोग भी भावनात्मक हो गए, आप लोगों को भी लगा कि ये महिला सही बात कर रही है। आज स्मृति ईरानी गोवा के रेस्टोरेंट और होटल के मालिक है। हम सब गरीब के गरीब रह गए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए देश के प्रधानमंत्री बनकर, तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहे कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, पर आज एक भी बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के मौका नहीं दिया मोदी जी ने। यही नहीं, फिर एक बार जब भी हम 9 बजे टीवी चालू करेंगे तो मोदी जी की भाषण चालू होगा कि सभी देश के नागरिकों को पक्के मकान देंगे। आप लोगों को लगा कि सचमुच में हमको घर मिलेगा। मेरे भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पप्पू कलानी के राज में 29 साल किसी को हाथ में नहीं लगा। आज आपको मकान टूटा या नहीं टूटा? जो मोदी पक्के मकान देने का वादा करता था, पप्पू कलानी के राज में 29 साल जिन झोपड़पट्टियों के नागरिकों को पक्के मकान दिए, मोदी ने वो भी बाबा का उजाड़ दिया। हम कैसे बचा पाएंगे? हम बचाने की कोशिश करते हैं, बचाने के लिए आपकी आवाज बनकर आते हैं, तो ओमी कलानी के ऊपर खटनी का मामला दर्ज हो गया। हम आप लोगों की आवाज बनकर आते हैं तो मैं जेल के सलाखों में चले गया। हम आप लोगों की आवाज बनकर आते हैं, पप्पू कलानी 14 साल जेल के सलाखों में चले गया। यदि हम आवाज उठाएंगे आप लोगों की तो हमको जेल के सलाखों में डाला जाएगा, पर हम डरेंगे नहीं, हम डट कर खड़े रहेंगे। जेल के सलाखों में डालो, अशोक सम्राट नगर जहां पर हम खड़े थे, इस नगर के अंदर नए डेवलपमेंट प्लान आया, शिवाजी रगड़े, फिरोज खान हमारे साथ में खड़े रहे। ये पूरे नगर के अंदर शाहकारों को मदद करने के लिए DP में यहां से रोड डाल दिया गया,
स्कूल यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं सोनोने जी के स्कूल में, वो स्कूल के ऊपर भी रिजर्वेशन डाल दिया। ये पूरी बस्ती की बस्ती उजड़ जाती। पप्पू कलारी बब्बर शेर आपके बीच में उतर पड़ा। आपको बचाने के लिए, मेरी माताओं को बचाने के लिए, मेरे गरीबों को बचाने के लिए शिवाजी रगड़े उतर पड़ा, क्योंकि आपको बचाने का था। उस पार्टी के नेता यहाँ पर आपको आई है आपको संबोधित करने के लिए। उस वक्त पर फिर आपने कभी नहीं पूछा। 2008 में आपके मकान तो बच गए, राज्य की सरकार के पास, पवार साहब के पास हम गए, ज्योति कलानी और पप्पू कलानी, पूरे शहर को हमने बचाया। पर जैसे ही आप लोग बचे, उल्लासनगर के शाहकारों ने साजिश रखी, पप्पू कलानी फिर जेल के सलाखों में चले गए। फिर सीधा जब पप्पू कलानी आए 9 साल के बाद, आप लोगों को बचाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताई ने केंद्र पर बात की, मैं स्थानीय मुद्दों पर बात करता हूं कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे जो नगर सेवक जो है घड़ी के चिन्ह पर उतरेंगे, उनको वोट करके जब भी पेड़ हम लगाते हैं तो पहले जड़ों को काटो। नगर सेवक ये जड़ है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जो 3 नंबर ओटी का नगर सेवक है, वो जड़ है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बनेंगे तो उनका महापौर बन जाएगा। नगर सेवक राष्ट्रवादी के बनेंगे, महापौर भी राष्ट्रवादी का होगा। महापौर राष्ट्रवादी का हुआ तो राज्य की सरकार का मुख्यमंत्री भी राष्ट्रवादी का होगा। राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी का हुआ तो केंद्र की सरकार में सेक्युलरिज्म पार्टी के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी जैसे ढोंगी हट जाएंगे। ये वही पार्टी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मराठा विद्यापीठ को बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम देने का मामला आया, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग पवार साहब का विरोध कर रहे थे कि मराठा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं देना है। आदरणीय पवार साहब ने निर्णय लिया कि माझी सत्ता गेली तरी चालेल, पण मराठा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिल्याशिवाय राहणार नाही। वही पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपको जाते जाते यही बताता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, पर जब आप मार्च में चुनाव लगेंगे तो शिवाजी रगड़े शेल के हमारे सभी घड़ी के चिन्ह पे महेश आहूजा, हमारे फिरोज खान, घड़ी के चिन्ह को जब आप वोट करने जाओगे तो वोट करते वक्त ये जरूर सोचना कि वो पप्पू कलानी जिसने मेरे परिवार को बचाया। जब घड़ी को वोट करने जाओगे तो वो पवार साहब जिसने मेरे शहर को बचाया, वो हमारी ताई जो महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आप लोगों को समझा रही थी, जो 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए भाव का विरोध कर रही थी, वो पार्टी के नगर सेवक आप लोगों को चुन कर देना है। आप लोग विश्वास रखकर राष्ट्रवादी को मजबूत करें, पवार साहब के विचारों को मजबूत करें। जाते जाते मैं यही बताता हूं ताई कि हम महाराष्ट्र के अंदर जैसे ही सरकार आई, थाना जिला में आधे से ज्यादा नेताओं को जेल के सलाखों में डाल दिया। हम तैयार हैं, पप्पू कलानी और हम सब जेल के सलाखों में जाने के लिए तैयार हैं। पर जाते जाते यही कहूंगा कि थोड़े दिन पहले पूना में चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा, जो मंत्री है महाराष्ट्र की सरकार में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जब स्कूल चालू किए महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, बाबा साहब के विचारों को और संविधान को ये मोदी खत्म करना चाहता है। संविधान में नए नए करतूत लाकर बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहता है। अडानी और अंबानी को देश बेचना चाहता है। यही नहीं, मैं आपको छोटी सी, चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी भिक्षा मांगकर हमारे देश के अंदर स्कूल उन्होंने चालू किया था। ये चंद्रकांत को पता नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, बाबा साहब ने हमको न्याय देने के लिए क्या किया। बाबा साहब ने जो किया वो देश में नहीं, वर्ल्ड में कोई नेता नहीं कर पाएगा। उनके विचार कभी खत्म नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। भाई देश की बात हुई, राज्य की बात हुई, शहर की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारे शहर में जब हम चुनाव में आएंगे तो हम भी ऐसी एक एलईडी लेकर आएंगे कि हमारे शहर के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश में देखा होगा कि कॉन्क्रीट का काम नाही। आमचा एकच विषय आहे की महागाई आणि बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे आणि कुठल्याही सरकारला, महाराष्ट्राच्या सरकारला आणि मोदी सरकारला याविषयी काही पडलेली नाही आहेत। ते लोकांचं लक्ष दुसरीकडे हटवतात। मागच्या आठवड्यामध्ये 25 रुपये सिलेंडरचे वाढलेले आहेत, पण मोदी, शिंदे, फडणवीस कोणी काही बोलत नाही आहे।
आमच्या महिला गरीब कष्टकरी ह्या देशातल्या 130 कोटीपैकी 100 कोटी लोक अत्यंत गरीब अवस्थेत जगणं जगत आहेत. तरुणांना नोकऱ्या नाही आहेत. आम्ही मुलांना शिकवलं पण आमच्या मुलांना नोकऱ्या नाही आहेत. आणि राशनवर जे धान्य मिळतं ते इतके घाणेरडे. मोदी स्वतः 40,000 किलोचे मशरूम खातात आणि आम्हाला रेशनचं धान्य खा म्हणतात. अहो मोदी साहेब, आमच्या गरीब बायका भिकारी नाही आहेत, कष्टकरी आहेत. आमचे मुलं कष्टकरी आहेत, त्यांच्या हाताला रोजगार द्या. तुम्ही सगळे रोजगार वेदांत पॉस्कोपासून गुजरातला नेत आहे. आमच्या तरुण मुलांना नोकऱ्या नाही आहेत, आमचे तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार द्या. ह्या देशामध्ये निवडून दिलेले आमदार, खासदार, नगरसेवक सगळ्यांनी फक्त एकच प्रश्नाबद्दल बोललं पाहिजे, तो म्हणजे महागाईचा प्रश्न, बेरोजगारीचा प्रश्न. आम्हाला हिंदू मुस्लिम लढवू नका. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई. हिंदू धर्म भगवा आहे, तो आमचा आहे भगवा त्यागाचं प्रतीक आहे. भाजपचा ढोंगी हिंदुत्ववाद हा भोगाचं प्रतीक आहे. म्हणून हे भगवे वस्त्र धारण करतात, लोकांना फसवतात. कोणीतरी एक जिलेबी बाबा 120 महिलांवर अत्याचार केले, त्याला कोर्टाने आता जेलमध्ये टाकलेले. ते असे भाजपचे जिलेबी बाबा बाकी आम्हाला नको आहेत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आम्हाला फक्त आणि फक्त महागाई कमी झाली पाहिजे आणि बेरोजगारी कमी झाली पाहिजे. जर तुम्हाला सत्तेत बसून हे जमत नसेल तर तुम्ही कृपा करून खुर्च्या सोडा आणि आम्ही चांगलं सरकार आणू. आणि तुम्ही ह्या भानगडीत पडू नका. तुम्हाला सरकार जमत नाही, तुम्ही सगळा देश अदानी अंबानींना विकून टाकले. मॅडम, उल्हासनगरची बात आहे, आता कमलेशने सांगितलं की सत्ता परिवर्तन झालं, ओमी कल्याण गुन्हा दाखल झाला, तर याविषयी तुम्ही काय पाठपुरावा करणार? हे काय निश्चितच आहे. ज्या जे लोक यांच्या विरोधात बोलतात त्यांच्यावरती ते जेलमध्ये टाकतात, त्यामुळे ते काही नवीन नाही आहे. छगन भुजबळांना 2.5 वर्ष टाकलं, अनिल देशमुखांना 13 महिने टाकलं. आमचे नवाब भाई जे इतक्या चांगल्या प्रकारे शाहरुख खानच्या मुलाला 1 ग्राम ड्रग्ज नसतानासुद्धा नवाब भाईने त्याचा विरोध केला आणि त्याच्यामध्ये NCB मध्ये अधिकारी वानखेडे यांचे सगळे सोयरे हे भाजपचे पदाधिकारी होते. किरण गोसावी असेल, तो शानबाग कोण होता तो असेल, हे सगळे बदमाश आहे. आणि गुजरातच्या बंदरमध्ये 22,000 कोटीचं डील 3 वेळा ड्रग्जचं मिळालं, त्याचा काही पत्ता नाही आहे. बाकी सगळं कोणी काही बोलत नाही, पण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असो, मुस्लिम लोक असो, यांच्या आमच्या बांधवांच्या मागे लागण्याचं काम चालतं. तर हे हिंदू मुस्लिम लढवू नका. ह्या देशाचं संविधान आहे, या संविधानाचे शपथ घेऊन मोदी सरकार स्थापन झाली आहे. हे जे फडणवीस आणि शिंदे आहेत ना, यांचं तर असंवैधानिक सरकार आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने जर तारखा पे तारीख नसती दिली तर आत्तापर्यंत हे सरकार गेलं असतं, गडगडलं असतं. पण कोर्टाच्या कृपेने हे सरकार शिल्लक आहे, तारीख पे तारीखसाठी हे शिल्लक आहे. आणि हे सगळे महागाई वाढवणारे, बेरोजगारी वाढवणारे, लोकांना लढवणारे लोक आहेत. असे लोक आम्हाला नको. आम्ही यांच्या ईडीला, आम्ही यांच्या कशाच कारवाईला, आमच्यावर धाडी टाकल्या. आम्ही महिला घाबरणार नाही, आम्ही रस्त्यावरती उतरू, यांना खुर्च्या खाली करायला लोक. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.